अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट ब्राउनी। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 3 टेबलस्पून बटर, यहाँ पे मैंने चॉकलेट बार लिया है, ये मैं आपको बता दूँगी कितना डालना है, 2 eggs लिए मैंने, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 कप शुगर, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 कप फ्लावर एंड 1/2 कप मिल्क। सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है जिसके अंदर मैंने डाला है बटर, और अब मैं इसके अंदर इसको बीट करूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। साथ ही मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर शुगर। बटर और शुगर को अच्छी तरह हमने बीट करना है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ऑयल। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बटर कम है तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर और ऐड किया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एग, 1 by 1 ऐड करेंगे। पहले 1 ऐड करेंगे, इसको बीट करेंगे। फिर सेकंड एग ऐड करेंगे, इसको भी बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है। टू से थ्री मिनट मैंने इसको बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी फ्लावर और कोको पाउडर, और इन दोनों चीजों को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। पहले आपने लो स्पीड से बीटर घुमाना है ताकि जो फ्लावर और कोको पाउडर है वो आपका। अब मैंने इसको बीट कर लिया। अब मैं बाकी का रिमेन जो फ्लावर बचा था वो ऐड करूंगी, और साथ ही मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा करके। अब मैंने इसको बीट कर लिए। अब जो रिमेनिंग फ्लावर था वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, और साथ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी मिल्क। और अब हम इसको अगेन बीट कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने देखे इस तरह चॉकलेट के चंक्स काट लिए और इसके मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको बीट करूंगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि चॉकलेट जो है वो मिक्सचर के अंदर बीट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, एक डिश ली जिसके ऊपर मैंने बटर लगा दिया है। अब मैंने इसके अंदर बैटर डाल दिए। अब मैं इसे बेक कर लूँगी 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। ब्राउनी हमारी बेक हो चुकी है। अब आप एक नाइफ़ ले लें जिसकी मदद से मैंने यहाँ चेक किया है, क्लीन आई है, तो अब आपकी ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। सो तैयार है हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट ब्राउनी। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फजी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हुई तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।